करोड़ों की प्रधानमंत्री सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट के। नसरुल्लागंज ग्राम पंचायत चकलदी में प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है जहां पर ठेकेदार दोबारा मनमानी से कार्य कर रहा है। ठेकेदार पर अंकुश लगाने के लिए कोई जिम्मेदार वहां मौजूद नहीं। भ्रष्टाचार के चलते ठेकेदार घटिया सड़क निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, वह जो सड़क बनाई जा रही है उसमें रेत का पता नहीं, रेत की जगह डस्ट मिलाई जा रही है। जहां गिट्टी का उपयोग सही मात्रा में नहीं हो रहा वहां पर ग्रामीणों का कहना है सड़क में घटिया कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण सड़क बनते अभी समय नहीं गुजरा और कार्य चल रहा है। इससे पहले ही सड़कों में दरारें आने लगी एवं सड़कें कई जगह से टूटने लगी। ग्रामीण राजेश चौरसिया का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण घटिया हो रहा है। इसके बाद ग्राम के सरपंच को ग्रामीणों ने सूचना दी और कहा कि यहां पर सड़क में रेत का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सड़क में गिट्टी जिस मात्रा में मिलाई जाना चाहिए वह नहीं मिल रही और यहां बजरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच राजेश विश्वकर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्राम पंचायत चकलदी में ठेकेदार द्वारा सीसी रोड का कार्य चल रहा है। सड़क में दरारें आने लगी है, जगह से टूटने लगी है। इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच ने जीएम से ग्राम पंचायत में घटिया निर्माण की शिकायत की। अधिकारी का कहना है मैं इंजीनियर को भेजता हूं और इस पूरे मामले की जांच करता हूं। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि वन समिति जनपद पंचायत नसरुल्लागंज हेमराज पठारी ने बताया कि आज दौरा कार्यक्रम था। सड़क में गिट्टी जो मिलाई जाना चाहिए थी वह नहीं है और रेत की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। वहां कोई इंजीनियर भी नहीं है। हेमराज पठारी ने आरोप लगाया कि इस सड़क में भ्रष्टाचार भारी मात्रा में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी लिप्त हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार शिकायतों के बाद भी ठेकेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि ठेकेदार पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं, जिम्मेदार अधिकारी मंडे बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है? और तो और इंजीनियर सुरेंद्र सिंह भी कुछ कहने से मुखरे बहाने बनाते हुए चलते बने। नसरुल्लागंज पवन माहेश्वरी। दौरा कार्यक्रम था, ये प्रधानमंत्री सड़क बन रही है जिसमें रेसो मेंटेन नहीं हो रहा है और मैं वहाँ से देखता हुआ आ रहा हूँ, आगे तक देखा है। ये मटेरियल की प्रयोगशाला में मटेरियल गया नहीं है। अगर प्रयोगशाला में मटेरियल जाता है तो एक गड्ढा टाइप में होता है। यहाँ पे इसमें नर्मदा सेंट नहीं है, गिट्टी इसमें 20 mm की डलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरी डस्ट टाइप की दिख रही है। और यहाँ इस पार्ट पे कोई प्रधानमंत्री सड़क का कोई उपयंत्री नहीं है, ना ही SDO है, ठेकेदार का भी कोई इंजीनियर नहीं है। यहाँ से अभी हम जाएंगे आगे, थोड़ा आगे 3-4 जगह से रोड टूट गया है, जबकि यहाँ इस रोड को बनाने के लिए इनको ये जो नीचे जो रोड बना हुआ था इसकी खुदाई होना था, ये मटेरियल हट कर और फिर रोड बनता, गुणवत्ता आती, लेकिन ये भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है इसमें कि विभाग के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त है और ये यहाँ पे एक भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, जबकि यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस रोड की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और संबंधित लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित होना चाहिए, यही मेरे मध्य प्रदेश शासन से मांग है। सर आपका नाम? राजेश विश्वकर्मा। सर आपके यहाँ जो प्रधानमंत्री रोड बन रहा है जी, इसमें क्या क्या कमी पाई गई? कमी क्या है, अभी हाल वो रोड पे ग्रामीणों का फोन आया था मेरे पास कि वैसा भी रोड काम चल रहा है और वो सीसी रोड जो बन रहा है उसमें कहीं फट गया, दीदार टाइप चल गई 3-4 जगह। मैं भी गया था, देखा मैंने, तो अधिकारियों से बात करी, मैंने कहा भाई ये कैसे फूट रहा है, अभी तो काम ही चल रहा है। तो उनने इंजीनियर को भेजा कि हम दिखवाते हैं, अगर कोई कमी है तो उसको सही करवाएंगे। ये हुई बात, अभी मैंने जाके देखी उसको। तो आपने कोई बड़े अधिकारी से बात करी? हाँ बात करी मैंने, उनके GM है जी दीपक जी सक्सेना, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला कि मैं इंजीनियर को भेज रहा हूँ, जो कमी होगी उसको सही करवाऊंगा। जैसे ये रोड पे जैसे आवागमन चालू है उनके लिए आपने बैरियर का बोला था या कुछ नहीं? नहीं मैंने उनसे बोला कि भाई ये पंचायत के रोड पे क्यों निकल रहा है तुम, यह रोड हमने ऑलरेडी बता दिया, इस पे बैरिकेड लगवा, इतने बड़े ठेकेदार हो तुम, पूरे गाँव के लोग ग्रामीण परेशान हो रहा है, चार जहाँ से घुस रहा है भाई, ऑलरेडी तुम एक संकेतिक कोई मार्ग बना दो, चूना डलवा दो या बैरिकेड लगा दो, यहाँ से निकल जाए तो लोग परेशान नहीं होंगे। वो ठेकेदार से बोला है मैंने, उनके आदमियों से यहाँ बैरिकेड लगाओ ताकि लोग परेशान नहीं हो। इसमें आपका आगे और क्या कहना है? अब ये है रोड सही बनना चाहिए यार।
गांव के, क्योंकि सरकार का वैसा लग रहा है उसका उपयोग सही हुआ तो वो जो टूट जो भी है, मैंने बात करी है, क्या करते हैं।